हेलो फ्रेंड, ब्रिगेन चैनल में आपका स्वागत है। सीआरपीसी पार्ट सिक्स वीडियो में सह अपराधी के बारे में आज हम इस वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी से समझेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं। सह अपराधी। सह अपराधी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसने स्वयं किसी अपराध को कारित करने में भाग लिया। जब कुछ लोगों ने मिलकर किसी अपराध को किया तो सब सह अपराधी कहे जाते हैं। षड्यंत्र करने वाले लोग गुप्त रूप से अपना आस बनाते हैं, निर्दयता से उसे पूरा करते हैं और कुछ भी निशानी नहीं छोड़ते जो साक्ष्य बन सके। इसलिए प्रायः पुलिस को उसमें ऐसे किसी एक को गवाह के रूप में परिवर्तित करना पड़ता है, उसे क्षमा कर दिया जाता है, किंतु इस शर्त पर कि वह अपने साथियों के विरुद्ध साक्ष्य देगा। ऐसा होने पर उसे ऐसा सह अपराधी कहते हैं जो अब साक्षी बन गया है। वह सरकारी गवाह बन जाता है और उन व्यक्तियों के खिलाफ बोलता है जिनके साथ मिलकर उसने अपराध किया था। सह अपराधी की गवाही विश्वसनीय क्यों नहीं होती? तो सह अपराधी की गवाही विश्वसनीय नहीं होती क्योंकि वह सबसे पहला अपने ऊपर दोष हटाने के लिए मिथ्या साक्ष्य के लिए झूठी शपथ ले सकता है। दूसरा ये है क्योंकि उसने अपराध में भाग लिया है और उसके परिणाम स्वरूप वह एक अनैतिक व्यक्ति बन गया, किसी शपथ के अनुशासन की अपेक्षा कर सकता है। और तीसरी बात, अपनी गवाही क्षमा पाने के आश्वासनों में या किसी क्षमा की आशा में देता है, यह समझते हुए कि यदि वह उन व्यक्तियों के बारे में जिनके साथ मिलकर उसने अपराध किया है जो कुछ जानता है वह बता देगा तो उसे छुटकारा मिल जाए। अपराधी के विरुद्ध एक सह अपराधी एक सक्षम गवाह। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 के अनुसार समान नियम यह है कि एक सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा। कोई दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह अपराधी के असंपष्ट साक्ष्य के आधार पर की गई। इस धारा के अनुसार सह अपराधी एक सक्षम गवाह है और उसके साक्ष्य पर दोष सिद्धि की जा सकती है। इसमें विधि शास्त्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहते हैं। टेलर के अनुसार सह अपराधी एक हितबद्ध तथा सदैव कुख्यात गवाह होते जिनकी गवाही आवश्यकतावश ग्रहण की जाती है, क्योंकि बिना ऐसे साक्ष्य लिए मुख्य अपराधी को न्याय के समक्ष लाना असंभव हो जाता है। साक्ष्य विधि की धारा 114 ख यह अवधारित करती है कि न्यायालय यह अवश्य देखेगा कि कोई सह अपराधी विश्वास योग्य नहीं होता है यदि उसका बयान सारवान विवरणों से समपुष्ट नहीं कर लिया जाता। इसलिए यद्यपि किसी सह अपराधी के समपुष्ट बयान पर आधारित दोषसिद्धि तकनीकी रूप से अवैध नहीं है, परंतु न्यायालय को यह परंपरा रही है कि जब तक सह अपराधी के बयान की सर्वान बातों की संपुष्टि नहीं कर ली जाती अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जाता। दोषसिद्धि किसी सह अपराधी की संपुष्ट गवाही पर भी आधारित हो सके यदि न्यायाधीश सावधानी का नियम रखता है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस जकाउल्ला 1998 का एक केस है। इस मामले में यह आधारित किया गया कि कोई रिश्वत देने वाला व्यक्ति जो रिश्वत लेने वाले के खिलाफ शिकायत करता है उसका प्रेक्षाक्ष केवल इस आधार पर नहीं काटा जा सकता कि वह अधिकारी से नाराज था और हितबद्ध। इस मामले में यह तथ्य अपने आप में उसकी पीड़ा का एक प्रमाण था कि एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दी। उस कारण किसी शिकायतकर्ता की शिकायत को ग्रहण न करने का परिणाम यह होगा कि भ्रष्ट अधिकारी विधिक परिणामों से बच जाएंगे। दूसरा केस है जसवीर सिंह वर्सेज विपिन कुमार 2001 का मैटर है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संस्कृति करने वाले सह अपराधी साक्षी की साक्ष्य अन्य साक्षियों से भिन्न होता है। अंतर केवल इतना है कि ऐसे शक की निगाह से देखा जाता है परंतु संदेह को हटाया जा सकता है और यदि ऐसे साक्षी को विश्वास योग्य पाया जाए और उसकी बात को मंजूर करने योग्य पाया जाए तो उसकी बात निर्णायक हो सकती है और उसके आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है। दोस्तों, अभी आपने सीआरपीसी पार्ट सिक्स वीडियो में सह अपराधी के बारे में जाना। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सह अपराधी के बारे में समझ में आ गई होगी। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी बात समझना है या इस वीडियो में कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना।
और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करना। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं कि आपको अगर पिछले वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और सीआरपीसी के सारे पार्ट्स अगर एक साथ देखना है तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। दोस्तों साथ में रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना, ताकि लॉ से जुड़े किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले